में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं रीता सिंह, उनके साथ बातचीत करेंगे। जनाकांक्षा रैली है गांधी मैदान में, तो इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे कि जनाकांक्षा रैली है आज कांग्रेस की, तो ये आपके लिए कितना महत्व रखता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे बीच युवा सम्राट राहुल गांधी जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई है और हम लोग भी अब निकलने वाले हैं, चूंकि लेट हो गए हैं, हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो एक भीड़ जो है बहुत बड़ी भीड़ आपके पीछे दिख रही है, तो इसके पीछे का मतलब क्या राज है, क्या ऐसा प्रभाव छोड़ी हैं आप? ये तो जनता बताएगी मैं क्या प्रभाव छोड़ी हूं। और आज जो जनाकांक्षा रैली हो रही है, ये लोकसभा चुनाव पर कैसा प्रभाव डाल सकती है? आज की रैली के बाद आप देखेंगे किस तरह से प्रभाव डालती है। तो मतलब एक कांग्रेस का जो एक अलग रुख देखने को मिलेगा इसके बाद, कहने का मतलब? बिल्कुल, आज के बाद से एक अलग रुख आपको मिलेगा राहुल गांधी को सुनने के बाद। देखिएगा बिहार के नौजवानों में किस तरह से उत्साह होगा, ये आपको आज के बाद पता। आपकी तरफ से किस तरह का इंतजाम किया गया है लोगों के लिए? सामने देखिए सब कैसे इंतजाम है, सारे लोग पगड़ी, राजस्थान से लोग आए हैं, सबको पगड़ी बांधे हैं, सब 12 से क्षेत्र के लोग आए हैं, महिलाएं भी, अभी महिलाएं ऊपर में खाना खा रही हैं। तो कहीं कुछ इस तरह का लग रहा है कि आप कहां से मतलब उतरेंगी सीट लेकर चुनाव में? नहीं नहीं, वो पार्टी डिसाइड करेगी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये हमारे पार्टी का डिसीजन होगा, जो डिसीजन होगा मैं उनके साथ हूँ। तो हमारे साथ अभी रीता सिंह थी, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव रह चुकी हैं, और आगे इसी तरह बिफोर प्रिंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपको बता दें कि रीता सिंह जी के पीछे जो है पूरा शाहबाद नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि आरा लोकसभा क्षेत्र से जो है मतलब आरा लोकसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं लोग कांग्रेस के तरफ से। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।